अस्सलाम वालेकुम मुझा प्यारा भाइरो है दोस्तों छा हाल वाल आए उम्मीद कया तो सब खुश हूं दबा वेलकम कया तो दोस्तों तवा के जो की वीडियो में शहीद होश मुमन शीदी जो को एक दिलेर है बहादुर इंसान हो तवा दिसी सको दा सा वजो को टॉपिक ही है शहीद होश मुमन शीदी जो असो सबक नंबर 14 आए। हाँ दोस्तों सब का पहले अस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब न सब्सक्राइब जरूर कर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर बेल आइकन के बटन जरूर दबाओ। दोस्तों अचो तो पढ़ू था सबक 14 जो है असो शहीद होश मुमन शीदी सब का पे इन में लिखल है सिख्या की हासिलत सिख्या की हासिलत में लिखल है वो अस पढ़ू था। इन में लिखल है वतन ला सर दींदड़ सूर्यन की जान हासिल करण में नंबर बो लिखल है लफ्जन की माना लिखी जुमलन में कम आन नंबर टो लिखल है जवाबन के मुनासिब चूंडण करण हम माना लफ्ज लिखण। हाँ दोस्तों इन पढ़ू था शहीद होश मुमन शीदी किं दिलेर हो किं बहादुर हो इन की अस कहानी पढ़ू था शहीद होश मुमन शीदी सिंध धरती केतर ही दिलेर बहादुर इंसान के जन्म दिनो आए। जी हाँ दोस्तों यो सही है सिंध धरती केतर ही दिलेर बहादुर इंसान के जन्म दिनो आए जेके इन सरजमीन की आज़ादी ए सलामी के लिए सिर कुर्बान कर तारीख में हमेशा जिंदा थी वया आहिने अड़े महब वतन ए दिलेर इंसान में शहीद होश मुमन शीदी जो नालो मथाऊँ आए। जी हाँ दोस्तों अड़े महब वतन ए दिलेर इंसान में शहीद होश मुमन शीदी जो नालो भी मथाऊँ आए माना मथे आए उन नालो भी जै अंग्रेजन के खिलाफ दुबे वारी जंग में बहादुरी से विणंदे सिर दिनों। हाँ दोस्तों जै वक्त अंग्रेजन खिलाफ दुबे वारी जंग में बहादुरी सर दिनों जै होश मुमन शीदी पेंे विणंदे सर दिनों शहीद होश मुमन शीदी सिंध के टालपुरन हुक्मरान मीर फतेह अली खान जो मुलाजिम हो। जी हाँ दोस्तों टालपुरन हुक्मरान में मीर फतेह अली खान नाले जो मुलाजिम हो वो मीर फतेह अली खान के पुट मीर सूबेदार जो साथी है संदस हमसर हो। संदन जन्म 1801 ईस्वी दारिय थो आज जी हाँ जी हाँ दोस्तों ने शहीद होश मुमन जो जन्म 1801 ईस्वी में थो होश मीर सूबेदार जो साथी हो। जी हाँ दोस्तों होश मीर सूबेदार नाले जो होश मुमन शीदी साथी हो जैसे जडे मीर सूबेदार पेंे चाचे के खिलाफ बगावत कई तो होश संदन साथ दिनो पर जडे अंग्रेजन सिंध ते हमले करण वक्त में सूबेदार के लालचू डई पान सा मिली वरतों तो वह गाल होश के पसंद न आई। जी हाँ दोस्तों अंग्रेजन उन टाइम साजिशू कई होश मुमन शीदी के गाल पसंद न आई होश के समझाया तो अंग्रेज सिंध जा दुश्मन आन होश मुमन शीदी समझे वो तो अंग्रेज सिंध जा दुश्मन आन उन साजिश में न अचण घुर्जे पर मीर सूबेदार न मोड़ो होश के होशू के खेस चयी तो सिंध के खतरो आए अड़े मौके से सब वेशा विसारे पेंे चाचे की मदद कर मीर सूबेदार खुशामदी दरबारियन के घेरे में अची वो बे तरफ अंग्रेजन के हुकूमत दियण जहा ख्वाब डेखारे पेंे पास कर वरतो अंग्रेजन की ख्वाहिश हुई तो उ सिंध में भी जमायन उन 1843 ईस्वी में इन सिंध के हुक्मरान टालपुरन के धड़को दई खेन ठा लाए राजी कयो मीरन अन्या ठा ते गालियों शुरू ही मस क्यों तो 11 जनवरी 1843 ईस्वी से अंग्रेजन हुकुम हमलो करे खेरपुर में मीरन जो इमामगढ़ वारो किलो फतेह करे वरतो मीर नसीर खान हैदराबाद जो हाकिम हो संदन सोट मीर सूबेदार खान न रुगो संदन मुखालिफत हो पर अंदरूनी तौर अंग्रेजन की मदद कर रो हो। 17 फरवरी 1843 ईस्वी से मियाणी के जंग लगण वक्त मीर सूबेदार खान हैदराबाद के किले में रहल हो इनके जडे अंग्रेजन की फतह में मीरन के हार की खबर पैजी वही तो इन चार्लेस नेपर के सूखड़ियों दई मोकलियों चार्लेस नेपर मीर सूबेदार खान के न्यापो मोकलो तो हैदराबाद के मीरन के पेश पाण ला राजी कर सानस मरतबे मुताबिक सुलूक कयो वेंदो होश मुमन शीदी मीर सूबेदार के अड़न हरकतन खिलाफ हो इन खेस मीर साहेब पेंे के माराए सरदारी बचाने देश से दुश्मनी आहे अवाम जो साथ दई सो सुरमन वांगुर वेड़ उन सूबेदार मथस कावट डेखारे खेस चयाईस मुझी अखियन खान ठारे वठ अंग्रेजन एक मीर हाकिम के गिरफ्तार कर सिंध मिल्कियतन से कब्जो कर वरतो। जी हाँ दोस्तों अंग्रेजन एक के पेंो गुलाम करे सिंध मिल्कियतन से कब्जो कर वरतो मयाणी वाले जंग का 4 फरवरी 1843 ईस्वी से अंग्रेजन की फौज हैदराबाद के किले में दाखिल थी मीरन के खजाने से कब्जो कर वरतो मीर महमूद खान मीर सूबेदार खान के पिण जबरदस्ती किले में कड़ी कैद बणाया वो सर चार्ल्स नेपर पेंे किताब सिंध के फतेह में लिखो है
जंग में अंग्रेजन जी शिकस्त वेजी वेजी वही आए वेजी वही आए अंग्रेजन फौज मैदान छड़न भजन वारी हुई तो ओचतो के मीर शेर मोहम्मद सा दगा करे नारियन गोठ में मीर जे बावजूद खाने के बाए दई छड़ी वो हालत ऐसी ओश मोहम्मद शीदी मीर शेर मोहम्मद के मैदान मा निकरी वणण जी सलाह दनी आए पान आखरी दम ताई वणदो रहयो 23 मार्च 1843 ईस्वी से सिंधु के सूर में जनरल होश मोहम्मद शीदी की शहादत जो डी सिंधु की तारीख में हमेशा याद रहो जी हाँ दोस्तों 23 मार्च 1843 ईस्वी में शहीद होश मोहम्मद शीदी जो शहीद होश मोहम्मद शीदी की शहादत थी हुई तारीख में हमेशा याद रहो इन की कुर्बानी सिंधु के हर नस्ल के पैं सरजमीन की आज़ादी लाए उत्साही रही हाँ मुझा प्यारा बारों है दोस्तों ये असो टॉपिक बुधायम शहीद होश मोहम्मद शीदी के बारे में उम्मीद क्या तो जरूर पसंद आया हों पसंद अच्छे सूरत में असें यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करो मिलूँ था अड़े खोड़ सारे मजेदार वीडियो में फिलहाल लाइक खुदा हाफिज़ दुआन में याद रखो अल्लाह हाफिज़।